नमस्कार, मैं हूं अनुकुल तिवारी और आप लाइव सिटीज देख रहे हैं। देखिए, जब रामनवमी का समय आता है तो पूरा भारत जो है वो जय श्री राम के नारे से गूंज उठता है। तो हम मौजूद हैं पटना के डाक बंगला चौराहे पे और यहाँ पे किस तरह का सजावट है वो हम आपको एक एक करके दिखाएंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जो डाक बंगला चौराहा है गेट की तरह, जी हाँ, 1 2 3 4 5 6 7 7 गेट सजाए हुए हैं। जी हाँ, आप देख सकते हैं, आप नज़रों के सामने हैं आपके, कितना सुंदर लग रहा है डाक बंगला चौराहा। क्योंकि जब रामनवमी की बात आती है तो भारत में, पूरे भारत में हर जगह जय श्री राम के नारे लगते हैं और सजावट जो होती है उसका क्या कहना है वो तो बता ही नहीं सकते हैं। क्योंकि जो फीलिंग है वो डाक बंगले चौराहे पे नज़र आ रही है। यहाँ पे आप साफ देख सकते हैं कि किस तरह से लाइटिंग दिया गया है। आपने पहला गेट देख लिया, दूसरे गेट की अगर हम बात करें तो भगवान राधा कृष्णा हैं राइट साइड वाले में, आप देख सकते हैं, और विशाल है। जी हाँ, छोटा गेट नहीं है ये, विशाल गेट है। लाइटिंग बहुत अच्छा दिया गया है, रात में अगर आप निकलेंगे तो बहुत ही ज़्यादा मज़ा आने वाला है। और अब आप जब वहाँ देखेंगे, आप जब उस तरफ जो एग्जीबिशन रोड की तरफ जो रास्ता जाता है वो आप गेट देख रहे होंगे, तो वहाँ का भी जो नज़ारा है उसका क्या कहें वो आप देख ही रहे होंगे कि विजुअल्स में किस तरह से दिख रहा है। और अब हम बोलेंगे, अब हम बात करेंगे चौथे गेट की। चौथा गेट आपके नज़रों के सामने है कि किस तरह से उसको सजाया गया है, ब्लू लाइटिंग दिया गया है और बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन लग रहा है। डाक बंगला चौराहा है ये, जी हाँ, रामनवमी में सजाया गया है। क्योंकि पूरे भारत में ये पूरे दिल और पूरे आस्था से मनाया जाता है रामनवमी। और सबसे बड़ी बात और सबसे अच्छी डेकोरेशन अगर कहें तो फिफ्थ गेट की अगर हम बात करें, देखिए, जब सीता जी का हरण हुआ था तो जटायु किस तरह से आए थे वो दिखाया जा रहा है। जी हाँ, मतलब कि आर्ट के तरह इसको दिखाया जा रहा है डाक बंगले चौराहे पे, किस तरह से लाइटिंग है, किस तरह से वो दिख रहा है आपको, आपके नज़रों के सामने है कि किस तरह से जटायु दिख रहे होंगे आपको, सीता जी दिख रही होंगी, रावण दिख रहे होंगे, हर कोई बहुत अच्छे से। और ये भी मैं बता दूं कि ये सब कलाकारी जो है वो बंगाल से लोग आते हैं। जी हाँ, बंगाल से कलाकार आते हैं। और अब इधर जो मौर्य लोग की तरफ जाता है उधर आप देखेंगे तो एक बहुत अच्छा डेकोरेशन है, पेड़ दिख रहा होगा और बहुत ही ज़्यादा अच्छा। इधर भोलेनाथ जी हैं जो कि साफ आपको दिख रहे होंगे। जी हाँ, डाक बंगले चौराहे का नज़ारा है ये, जो कि बहुत ही ज़्यादा सुंदर और अच्छा लग रहा है। और हम आपको बस डाक बंगला चौराहा नहीं दिखा रहे, डाक बंगला चौराहा तो आप अगर देख रहे होंगे तो दिल मस्त हो गया होगा। क्योंकि रामनवमी में अगर आपका शहर सजता है तो वो वाकई में बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है। तो चलिए थोड़ा सा हनुमान मंदिर की तरफ बढ़ते हैं, स्टेशन की ओर बढ़ते हैं, क्योंकि सजावट जो है, लाइटिंग जो है वो डाक बंगला चौराहे से सीधे स्टेशन की तरफ जा रही है। और आपको यहीं से दिख रहा होगा कि वहाँ पे भी कुछ किसी तरह का आर्ट है जो बनाया गया है। तो चलिए धीरे से उस तरफ बढ़ते हैं और वहाँ भी दिखाते हैं हम कि क्या बना हुआ है, क्या सजाया हुआ है, कैसा लग रहा है, अंधेरे में कितना जगमगा रहा है डाक बंगला चौराहे से जो रास्ता जाता है स्टेशन की तरफ वो कितना जगमगा रहा है। चलिए अब विजुअल्स में आप देखिए, डाक बंगला चौराहा से स्टेशन की तरफ हम जब बढ़ते हैं तो रामनवमी का क्या माहौल है, कितना अच्छा से सजाया हुआ है। तो चलिए सीधे चलते हैं। देखिए, डाक बंगला चौराहे से थोड़ा सा आप आगे बढ़ेंगे तो आपको दिख रहा होगा यहाँ पे कि स्टेज जो है वो अभी बनने के तगार पे है। जी हाँ, देखिए यहाँ पे किस तरह से स्टेज बनाया गया है और आपको उस साइड चेयर्स भी दिख रहे होंगे। जी हाँ, कुर्सी जहाँ पे लोग बैठेंगे, कहा जाता है कि यहीं से जो यात्रा है वो निकलती है। और CM नीतीश कुमार, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी यहाँ मौजूद रहते हैं। और किस तरह से काम चल रहा है रामनवमी के लिए हम आपको दिखा रहे हैं, हर एक चीज़ डाक बंगला चौराहा हो, स्टेशन की तरफ जब बढ़ते हैं स्टेज किस तरह से बना हुआ। और ऊपर देखिए ये स्टेज कितना बड़ा है और ऊपर किस तरह डिज़ाइन किया है, नीचे किस तरह डिज़ाइन किया है और चेयर्स किस तरह लगे हैं। और जो बांस है वो भी अभी आ ही रहे, मतलब कि स्टेज और बड़ा होने वाला है। जी हाँ, मतलब रामनवमी में कहा जाता है कि पूरे भारत में एक माहौल बन जाता है। और आपको सामने दिख रहा होगा कि भोलेनाथ का जो आर्ट है वो किस तरह से बनाया हुआ है, बहुत ही ज़्यादा सुंदर लग रहा है। और लाइटनिंग किस तरह का दिया गया है वो भी आपकी नज़रों के सामने है कि किस तरह से भोलेनाथ को बनाया गया है, सजाया गया है। रोड जगमगा उठा है रामनवमी में, बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा है। मुझे लग रहा है कि अगर आप रोड पे निकलेंगे रामनवमी के दिन तो मज़ा आने वाला है। और पूरे आस्था के साथ आप जब रोड पे निकलेंगे तो अलग ही तरीके का लगेगा कि भगवान ही प्रकट हो रहे हैं। और चलिए अब
हम आगे चलते हैं, थोड़ा सा हनुमान मंदिर की तरफ बढ़ते हैं कि सजावट देखिए, हम सजावट दिखा रहे हैं, हम तैयारी दिखा रहे हैं आपको, डाक बंगला चौराहा से लेकर स्टेशन तक का तैयारी दिखा रहे हैं हम, जो कि बहुत ही बेहतरीन है, मानना पड़ेगा, जिन्होंने भी ये तैयारी की है मानना पड़ेगा। तो चलिए अब स्टेशन की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं कि उधर क्या तैयारी है। देखिए हनुमान मंदिर, महावीर मंदिर हम आ चुके हैं और नज़ारा कैसा है, कैसा सजाया गया है मंदिर को आपकी नज़रों के सामने है कि रामनवमी का माहौल ही कुछ ऐसा होता है, जो लोग आते हैं उनका दिल जो है वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है। देखिए किस तरह से महावीर मंदिर को सजाया गया है, लाइटिंग दिया गया है, क्योंकि रामनवमी का बात ही कुछ और होता है। पूरा भारत जो है वो जय श्री राम राम के नारों से गूंज उठता है, लोग बहुत खुशी से उस दिन आते हैं मंदिर, प्रसाद चढ़ाते हैं, यात्रा भी निकलती है, मतलब एक माहौल बन जाता है पूरे भारत में। और देखिए किस तरह से यहाँ बोर्ड भी लगा दिया गया है, जी हाँ आपको नज़रों के सामने है, श्री श्री रामनवमी शोभा यात्रा अभिनंदन समिति। जी हाँ यहाँ पे अब कहा जा रहा है, कमिटी के द्वारा कहा गया है कि 3 से 5 लाख, जी हाँ 3 से 5 लाख श्रद्धालु जो हैं, भक्त जो हैं, वो दर्शन करने आएंगे, मतलब 3 से 5 लाख लोग दर्शन करने आएंगे, श्रद्धालु लोग दर्शन करने आएंगे, क्योंकि कोविड का समय था, 2 साल के बाद ये मनाया जाएगा, बहुत अच्छे से मनाया जाएगा। और ये भी कहा जा रहा है कि 2500 केजी लड्डू बनके तैयार रहेगा, प्रसाद चढ़ाने के लिए लोग को खरीदने के लिए, लोग जो आएंगे वो खरीदेंगे, 2500 केजी लड्डू बनके तैयार रहेगा। जी हाँ और नज़ारा डाक बंगला चौराहे से लेकर महावीर मंदिर तक का क्या कुछ था, कैसा था, शाम में कैसा लग रहा है, कितना बेहतरीन तरीके से हर चीज़ को बारीकी से बनाया गया है। आपने देखा कि किस तरह से डाक बंगला का नज़ारा था, यहाँ पे भी आप देखें कि किस तरह से लाइटिंग दिया गया, महावीर मंदिर को किस तरह से सजाया गया। जी हाँ एंट्री से लेकर पूरा मंदिर जो है वो किस तरह से जगमगा उठा है, बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन लग रहा है, रामनवमी का माहौल है ये। शाम में हम आपको दिखा रहे हैं लाइटिंग किस तरह का है पटना में, महावीर मंदिर का, डाक बंगला चौराहे का, हर चीज़ हमने दिखा दिया, बारीकी से समझा भी दिया कि किस तरह से लाइटिंग हुआ है, प्रसाद कितना आने वाला है, श्रद्धालु कितने आने वाले हैं और कैसा लग रहा है रामनवमी में पटना। जी हाँ डाक बंगला चौराहा और महावीर मंदिर, अब बस इंतज़ार है तो उस दिन का, जब पूरा भारत जय श्री राम के नारों से गूंज उठेगा। जी हाँ तो मैं बोलूँगा कि आप भी उस दिन निकलिएगा, जय श्री राम कहिएगा, पूजा करने आइएगा और यहाँ पे क्या नज़ारा होगा वो देखने लायक होगा, हम लाइव स्ट्रीम के द्वारा आपको दिखाएंगे। जी हाँ हर एक चीज़ आपको बताएंगे, दिखाएंगे कि क्या माहौल है पटना का, जी हाँ बिहार पटना का क्या माहौल है। तो बस लाइव सीरीज के साथ बने रहे, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पेज को लाइक करें, कैमरा प्रकाश के साथ मैं अनुकुल तिवारी।